हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको पूड़ी के साथ या फिर पराठे के या रोटी के साथ किसी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाते हैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। सबसे पहले मैंने तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। तेल हमारा बढ़िया से गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। मैंने 4-5 आलू काट कर डाल दिया है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन। ये देखिए 4-5 मिनट चलाने के बाद ये बढ़िया से शैलो फ्राई हो गया है, हल्का सा ब्राउन। अब हम इसको निकाल लेते हैं। उसी तेल में अब हम डाल देते हैं ये शिमला मिर्च। मैंने 3-4 शिमला मिर्च काट ली है बड़े साइज में। 2-3 प्याज बड़े साइज में काट लिया है। इसको भी हम शैलो फ्राई करेंगे। गैस की आंच को आप तेज ही रखिए। ये देखिए 3-4 मिनट चलाने के बाद ये हल्का सा शैलो फ्राई हो गया है शिमला मिर्च और प्याज। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। उसी तेल में अब हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तड़का लगा देते हैं। अब हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता। ये देखिए जीरा हमारा चटक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 प्याज बारीक कटा हुआ। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे धीरे धीरे चलाते हुए। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें। ये देखिए हल्का सा ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ऐसे चलाते हुए हमने प्याज को ब्राउन करना है। ये देखिए हल्का सा हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है धनिया और जीरे का मिक्स पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बढ़िया से हमने मसाले को मिक्स कर लिया है धीमी आंच में। अब हम इसमें डाल देते हैं 3-4 टमाटर की प्यूरी। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। ऐसे मिक्स करते हुए हमने इसको 2 मिनट पकाना है कि बढ़िया से टमाटर हमारा पक जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी दही। दही का जो स्वाद है इसमें बहुत ही अच्छा आता है गाइस। दही से हमारी जो सब्जी है बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनेगी। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच में पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट के बाद तेल हमारा मसाले से अलग हो गया है, यानी कि हमारा बढ़िया से मसाला भुनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये फ्राई किया हुआ आलू। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है गाइस ये सब्जी। अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च और प्याज। बढ़िया से हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से चलाते हुए। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें। ये देखिए बढ़िया से हमारी सब्जी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी। ये देखिए पानी डालकर अब हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए गाइस 2 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार है।
अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये गरम मसाला। मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है। 3-4 मैंने हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है। ये बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च में कस्तूरी मेथी का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है गाइस। तो ये देखिए 2-3 मिनट चलाने के बाद सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी हुई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आइए एक प्लेट में हम सब्जी को निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी हुई है शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है गाइस कम समय में। तो गाइस अगर आपको हमारी सब्जी अच्छी लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।